चुका है भोग, तैयार है, चलते हैं। के लिए जो कपड़ा लेकर आए थे फ्रॉक काट के देखते हैं सिल आएगी तो सिलते हैं, तो काट तो लेते ही हैं। जी जी फ्रॉक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 10:15 और रात तो बहुत देर के उठी हुई हूँ, घर का काम कर रही हूँ और घर के काम करती रहती हूँ, वैसे घर में रहती हूँ तो। और अभी मैंने भगवान जी की भोग में बना ली है, देखिए छोटी छोटी नन्नी मुन्नी पूड़ी और ये अलग से बच्चों को खाने के लिए पूड़ी, छोटी बड़ी सब साइज की ये छोटी छोटी पूड़ी भोग के लिए, और ये बना दिए खीर। थाली लगा लेती हूँ भोग लगाने के लिए और फिर जाऊंगी मैं मंदिर, तो मैं आप लोगों को लेकिन नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली की वजह से मोबाइल रखूँ के लोटे रखूँ या बहुत सारा सामान रखूँ इस वजह से। तो ठीक है, अब सब जने उठ चुके हैं, दिया बाती हो चुकी है, लावण्य यहाँ के रेडी हो गई, वो देखो बिगाड़ी ऊपर उसकी हालत कितनी डाउन है, कपड़े उसने पूरे फाड़ लिए अपने घूंटे से। ये क्या है, घूंटे से पूरे फाड़ के बैठ गया और पता कल ही नहा के इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया, बिल्कुल गंदगी धूल मट्टी में लोर गया वो, पता पूरा ही। और भी क्या कहेगा, आज बच्चे घर पे ही हैं तो फिर थाली लगा देती हूँ। मैं अभी मंदिर जाने से पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। चुका है भोग, तैयार है, चलते हैं। भैया तुम नहा लो, इनने नहीं नहाया है, बस तो इनने और उसने दो जनों नहीं नहाया है, बाकी ये तो चले गए पापा जी को नहलाने के लिए और मैं अभी घर पे ही हूँ। अब हो पाई हूँ मैं फ्री और दुकान बच्चों ने खोल लिए क्योंकि आज भी घर पे ही है, तो चलते हैं शॉप पे। और कोई और भी गए हैं साथ में, कौन गए हैं वो हम आपको तब वहीं पे मिलवाएंगे, तो मैं भी चल रही हूँ, चलते हैं शॉप पे। आ चुके हैं शॉप पर और देखिए आज हमारी लावण्य आई है, लावण्य जी के साथ आए हमारे ठाकुर जी, दोनों ठाकुर जी को ले आए हैं हम, ये हमारे मोहन जी और कन्हैया जी है ना, मोरपंख ये भी बैठे हैं। लावण्य कन्हैया जी के लिए ड्रेस बनाई उसने ब्लू कलर की, बहुत सुंदर, और एक और छोटे कन्हैया जी के लिए बना रही है। है ऊपर भी है, एक रील और बना लो, मैं बना दूंगी तुम्हारी तुम्हारी यार। ये जामुन का पेड़ है, जामुन ब्लाउज ब्लैक वाला सिल दिया मैंने अभी, एक कढ़ाई में तीन, एक ये वाला सादा ब्लाउज सिलाया जो ग्राहक का आया था, और एक ये फ्रॉक काट रही हूँ। लावण्य के लिए जो कपड़ा लेकर आए थे फ्रॉक काट के देखते हैं सिल आएगी तो सिलते हैं, तो काट तो लेते ही हैं, चलते हैं घर पे। लावण्य एक फ्रॉक सिला गई है, वो कैसे लिए बताएंगे, इसमें रख लिए घर पे बताते हैं, और पी को करवाना है। घर पे आ चुके हैं और तनिष गया है पी को करवाने, लेकिन अभी मेरे पास पीको की मशीन नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे, तो पीको भी अपने घर पे कर लिया करेंगे। फिलहाल अभी फ्रॉक में पीको करवाने गया, फिर लेके आएंगे तब आपको बताती हूँ मैं फ्रॉक। जी जी फ्रॉक कर लीजिए। फुल फ्लॉक पीको करवाने के बाद बहुत सुंदर लग रही है, गेर बताई लग रही है, बहुत गहर है। बन्निया बना रही है नूडल्स, देखिए हो गए उबल गए, तो ये देख रहे हैं ये नूडल्स ठंडी होने के लिए, और वो बना रही है मसाला तैयार हो रहा है। तो पड़ा बन चुके हैं, जय सब जनता पालती खाने बैठी है, जनता पालती परस गई फिर खाना खाने में इंतजार था आपका। नूडल्स का हम लोग नूडल्स और खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ब्लॉक में,
खाना हो चुका है हमारा और सीख साथ आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।